प्रोग्रामर्स, वेलकम टू माय चैनल तरुण सर। सो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा पीएचपी में स्विच केस स्टेटमेंट को। सो गाइस, आइए देखते हैं क्या है स्विच केस स्टेटमेंट। जिन लोगों को ऑलरेडी सी, सी प्लस प्लस, जावा से एक्सपीरियंस है, वो लोग स्पेशली इसको ध्यान से देखना, बिकॉज जो पीएचपी का स्विच है वो डेफिनेटली कुछ कॉन्सेप्ट में अलग तरीके से वर्क करता है सी, सी प्लस प्लस एंड जावा के कंपेरेटिवली। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ इसे ताकि आप लोगों को आराम से दिखाई दे। सो दिस इज अ गुड जूम लेवल आई थिंक। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट करता क्या है। बेसिकली वी यूज स्विच स्टेटमेंट व्हेन वी नीड टू एग्जीक्यूट वन कोड ब्लॉक अमंग मैनी ब्लॉक्स अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल और एक्सप्रेशन। स्विच केस को हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमें एक से ज्यादा कोड ब्लॉक्स में से, मतलब एक से ज्यादा सेट ऑफ स्टेटमेंट्स में से कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट या कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करना हो किसी वेरिएबल की वैल्यू या किसी एक्सप्रेशन के रिजल्ट के अकॉर्डिंग। वी कैन डू द सेम थिंग विद इफ एल्स लैडर, बट सिंटैक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज ईजियर टू रीड एंड राइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोग्रामर। सो बेसिकली गाइज, जो काम हम स्विच से कर रहे हैं उसी काम को हम लोग नेस्टेड इफ एल्स या इफ एल्स लैडर से भी कर सकते हैं, बट स्विच का जो स्टेटमेंट है वो रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने का काम करता है। यानी आसानी से समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए काम हो रहा है। जनरली स्विच केस स्टेटमेंट इज यूज इन मैन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग वेयर वी चूज एन ऑप्शन फ्रॉम अवेलेबल मल्टीपल ऑप्शंस। इन मोस्ट ऑफ द केसेस जो स्विच केस है इसको हम लोग यूज करते हैं मैन्यू ड्रिवन प्रोग्रामिंग में। मैन्यू ड्रिविंग प्रोग्रामिंग का मतलब होता है जहाँ पे लाइक हमारे पास में तीन चार पांच ऑप्शन हो और उनमें से किसी एक ऑप्शन पे काम करना हो। फॉर एग्जांपल, जब आप लोग एटीएम पे जाते हैं तो वहाँ पे तीन चार ऑप्शन आते हैं, उनमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। या इसी तरीके से लाइक आईवीआर में आप लोगों ने देखा होगा तीन चार पांच ऑप्शन होते हैं, उसमें से कुछ एक की वगैरह हम प्रेस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ टास्क परफॉर्म होता है। सो इस तरह के जो काम है उनके लिए बेस्ट सुटेबल जो स्ट्रक्चर है प्रोग्रामिंग के अंदर, दैट इज स्विच केस। नाउ सिंटैक्स की अगर हम बात करें स्विच केस के, तो सिंटैक्स इस तरह से होता है स्विच देन पैरेंथेसिस में एक्सप्रेशन या वेरिएबल जिसकी वैल्यू पे काम होना है, देन कर्ली ब्रैकेट्स से हम स्विच का पूरा ब्लॉक बनाते हैं। सो गाइज, ये पूरी स्विच की बाउंड्री हो गई यहाँ तक। देन केस कीवर्ड की हेल्प से हम अलग अलग वैल्यू डिफाइन करते हैं, लाइक केस वैल्यूज डिफाइन करते हैं। उसके बाद में होते हैं स्टेटमेंट देन ब्रेक। इसी तरह से सेकंड केस, उसकी वैल्यू कॉलन, और ध्यान रखना जो केस वैल्यू उसके बाद कॉलन का निशान है इस जगह, एंड स्टेटमेंट्स जो होंगे उनके बाद में सेमी कॉलन होता है, ब्रेक के बाद भी सेमी कॉलन होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जितने नीड है उतने केसेस हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि एक केस होगा, दो होंगे, पांच होंगे, दस होंगे, कितने भी हो सकते हैं। एंड फिर होता है हमारे पास डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के बाद कॉलन है, कोई वैल्यू नहीं लिखते हम लोग, देन वो स्टेटमेंट जो डिफॉल्ट में हमें रन करने हैं। नाउ इसकी वर्किंग की बात करें अगर हम, तो स्विच में जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है वो जिस केस वैल्यू से मैच हो उसके स्टेटमेंट रन होते हैं, और ब्रेक की वजह से कंट्रोल बाहर चला जाता है। अगर सपोज किसी भी केस की वैल्यू इक्वल नहीं है स्विच किए गए एक्सप्रेशन की वैल्यू के, तो लास्ट में जो डिफॉल्ट स्टेटमेंट लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। अंग्रेजी में भी पढ़ देते हैं भाई, अंग्रेज लोगों के लिए हमारे, द स्विच्ड एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड फर्स्ट देन इट्स वैल्यू इज कंपेयर्ड विद द वैल्यू ऑफ ईच केस वन बाय वन। जो स्विच एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले इवेल्युएट होगा, देन उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हर एक केस की वैल्यू से वन बाय वन मैच होगा। इफ देयर इज ए मैच द स्टेटमेंट ऑफ दैट केस आर एग्जीक्यूटेड। यदि किसी केस की वैल्यू स्विच में लिखे गए एक्सप्रेशन के रिजल्ट के इक्वल है तो उस केस के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ केस कॉन्स्टेंट टू, देन स्टेटमेंट ऑफ केस कॉन्स्टेंट टू आर एग्जीक्यूटेड। ओके गाइज, सो अगर सपोज दैट यहां पे जो हमने स्विच किया, हम लोगों ने यहां पे स्विच किया ये एक्सप्रेशन, अगर इसकी वैल्यू इस कॉन्स्टेंट टू की वैल्यू के बराबर है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बाकी सारा पार्ट स्किप हो जाएगा। इफ देयर इज नो मैच द डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड।
अगर किसी भी केस की वैल्यू स्विच में लिखे गए एक्सप्रेशन की वैल्यू के बराबर नहीं होती है तो डिफॉल्ट के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अब देखो, नोटिस करो, हम लोग हर केस की वैल्यू के बाद में ब्रेक यूज करें, लाइक हमने यहां ब्रेक लगाया, यहां ब्रेक लगाया। सो ये क्या काम कर रहा है? ये बेसिकली केस के स्टेटमेंट रन होने के बाद स्विच से बाहर निकालने का काम करता है। अच्छा, अगर इसे यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा? इफ वी डू नॉट यूज ब्रेक, ऑल स्टेटमेंट आफ्टर द मैचिंग लेबल आर एग्जीक्यूटेड। अगर हमने ब्रेक नहीं लगाया तो जिस केस की वैल्यूज मैच हुई हैं, वैल्यू मैच हुई है, उसके स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होंगे। उसके बाद पूरा स्विच केस, अगर बीच में कहीं पे भी ब्रेक नहीं है तो पूरा स्विच केस इंक्लूडिंग डिफॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाता है। द डिफॉल्ट क्लॉज इनसाइड द स्विच स्टेटमेंट इज ऑप्शनल एंड कैन बी यूज्ड एनी वेयर इनसाइड द स्विच, बट वी यूज ब्रेक इफ इट इज यूज्ड एट एनी अदर पोजीशन एक्सेप्ट द एंड ऑफ स्विच। सो जो स्विच केस है उसको, उसमें डिफॉल्ट क्लोज को हम नॉर्मली लास्ट में लिखते हैं, बट उसे हम चाहें तो बीच में या शुरुआत में कहीं पे भी लिख सकते हैं, किसी भी केस से पहले भी इवन। लेकिन अगर अंत के अलावा और कहीं पे भी लिख रहे हैं तो यूजुअली हम डिफॉल्ट के स्टेटमेंट्स के बाद भी ब्रेक लगाएंगे, ताकि अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ है, डिफॉल्ट के स्टेटमेंट रन हुए हैं, तो उनके बाद में कंट्रोल स्विच केस से बाहर चला जाए। ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने सी, सी प्लस प्लस, जावा जैसी प्रोग्रामिंग में काम किया है। सी, सी प्लस प्लस, जावा में हमारे पे रेस्ट्रिक्शन होता है कि जो स्विच केस है वो केवल इंटीजर्स पे काम करेगा। सी एंड सी प्लस प्लस में तो बिल्कुल इंटीजर पे ही काम करता है, पॉइंट वाली वैल्यू स्ट्रिंग किसी पे भी नहीं करता। जावा में इंटीजर्स पे भी काम करता है, स्ट्रिंग पे भी काम करता है, लेकिन पॉइंट वाली वैल्यूज पे नहीं करता है। सेकेंड थिंग, जो केस वैल्यूज होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा में हमेशा कॉन्स्टेंट ही होनी चाहिए। बट पीएचपी में क्या अलग है? पीएचपी में अलग ये है कि द केस वैल्यूज मे बी ऑफ एनी डेटा टाइप, यानी जो केस वैल्यूज है वो इंटीजर भी हो सकती है, पॉइंट वाली भी हो सकती है, स्ट्रिंग, किसी भी टाइप की वैल्यू यूज कर सकते हैं, एंड दे मे बी डुप्लीकेट। अच्छा, दो केसेस की वैल्यूज है वो सेम भी हो सकती है, लेकिन सी, सी प्लस प्लस, जावा में ये नहीं पॉसिबल था। एंड वेरिएबल ऑल्सो इन पीएचपी, यानी जो केस वैल्यू है वेरिएबल की फॉर्म में भी लिखा हुआ हो सकता है, वो भी लीगल है, वो भी वैलिड है, बट सी, सी प्लस प्लस, जावा में ऐसा नहीं होता है, प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता है। सो गाइज, आइए एक सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं स्विच केस का। सबसे पहले एक नई फाइल बना लेते हैं। सबलाइम टेक्स्ट मैंने शुरू किया, यूट्यूब फोल्डर पर राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, कंट्रोल एस से मैं इसे सेव कर देता हूं, स्विच और डे नेम डॉट पी एच पी, इस नाम से हमने ये फाइल बना दी। एच टी एम एल का हमने स्टब बना दिया, देन यहां हमने लिख दिया स्विच डेमो, ये टाइटल हो गया। देन हमने पी एच पी का ब्लॉक बनाया हमारा। यहां हम लोगों ने यूज किया एक वेरिएबल डे कोड। हमें करना क्या है सिंपली, अगर डे कोड की वैल्यू 1 है तो हमें मंडे प्रिंट करना है, 2 है तो ट्यूसडे प्रिंट करना है, एंड इसी तरह से सो ऑन, 7 है तो संडे प्रिंट करना है। तो डे कोड वेरिएबल हमने बनाया, स्विच स्टेटमेंट लगाया, एंड सबलाइम की एक खासियत है, देखो पीएचपी एक्सटेंशन से सेव थी तो इसने बेसिक सिंटैक्स बना दिया इसका अपने आप ही। डॉलर डे कोड को हमने कर लिया स्विच। अब देखिए, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हमने इको करा दिया, मैं एक ही लाइन में लिख देता हूं यहां पे, ताकि पूरा कोड एक साथ दिखाई दे, मंडे, एंड इसके बाद सेमीकोलन लगाया और हमने यहां पे लगा दिया ब्रेक, फाइन। इसी तरह से केस टू पर हमें क्या करना है भाई, केस टू पे हमें प्रिंट कराना है ट्यूसडे। मैं कॉपी पेस्ट कर दूं इसको 7 बार, 4, 5, 6 और 7। अगर इन 7 केस के अलावा कुछ भी है तो हमने इको करा दिया, इनवैलिड डे कोड, ठीक है गाइज। और यहां जो केसेस थे ये मैंने चेंज कर दिया, इसको 7 कर दिया, इसको 6, इसको 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2। अगर 2 है तो हमारा क्या हो जाएगा, ट्यूसडे, अगर 3 है तो वेंसडे, अगर 4 है तो थर्सडे, अगर 5 है तो फ्राइडे, एंड अगर 6 है तो सैटरडे, वीकेंड आ गया, मजे आ गए, और अगर 7 है तो संडे।
फाइन, लाइक अभी डे कोड की वैल्यू जो मैंने यहाँ पे ली है वो क्या ली है, वन ली है, तो स्विच में मैंने लिखा डे कोड, डे कोड की वैल्यू वन है, तो ये कहाँ जाएगा, उस केस पे जाएगा जिसके साथ क्या लिखा हो, वन लिखा हो, तो केस वन पे आएगा, ये क्या प्रिंट करा देगा मंडे, और उसके बाद ब्रेक लगा हुआ है तो स्विच केस से बाहर चला जाएगा। आइए इसको एक बार सिंपली एग्जीक्यूट कर लेते हैं। सो मैंने क्रोम स्टार्ट किया, यहाँ मैंने ऑलरेडी देखिए मेरा जैम्प जो कंट्रोल पैनल है वो स्टार्ट किया हुआ है, ये रहा, और अपाचे भी इसमें स्टार्टेड है, तो यूट्यूब फोल्डर में मैं सेव कर रहा हूँ स्विच डे कोड डॉट पी एच पी। ओके, ये कह रहा है नो फाइल, 404 है ये एरर, स्विच डे नेम है, सॉरी डे कोड नहीं है, स्विच डे नेम डॉट पी एच पी। एग्जीक्यूट किया इसे हमने, क्या प्रिंट कराया इसने भाई, मंडे प्रिंट करा दिया, राइट। नाउ सी, मैंने यहाँ पे ब्रेक लगाया था इस वजह से मंडे प्रिंट करके रुक गया। अभी सपोज मैंने ब्रेक हटा दिया, केस वन के बाद में स्टेटमेंट है लेकिन ब्रेक नहीं, उसके बाद केस टू है उसका स्टेटमेंट और ब्रेक लगा हुआ है, सो क्या होगा भाई। अब देखो डे कोड की वैल्यू वन है, स्विच हुआ डे कोड यानी स्विच में वैल्यू आ गई वन, तो केस वन एग्जीक्यूट हुआ मंडे, अब मंडे के बाद ब्रेक नहीं है तो केस टू भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, केस टू में जाके प्रिंट करा देगा ट्यूसडे, फिर ब्रेक है तो स्विच से बाहर आ जाएगा, तो अभी आउटपुट क्या आएगा, मंडे ट्यूसडे। रिफ्रेश कर लेते हैं, ये मंडे ट्यूसडे। अच्छा अभी सपोज दैट इसकी वैल्यू होती टू, तो स्विच किया इसने डे कोड को, वैल्यू क्या है यहाँ पे, टू है डे कोड की, तो स्विच में आ गया टू, केस टू पे जाएगा डायरेक्टली, अब केस वन को रन नहीं करेगा ये, क्योंकि डे कोड की वैल्यू मैच नहीं हुई है केस वन से, किससे मैच हुई है, केस टू से, तो ये प्रिंट कराएगा ट्यूसडे, उसके बाद ब्रेक लगा हुआ है तो डायरेक्ट स्विच से बाहर चला जाएगा। लेट सी, फाइन गाइज। अच्छा सपोज दैट यहाँ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होता, सारे ब्रेक हटा दिए समझो, और हमारे पास जो वैल्यू है डिफॉल्ट के बाद से भी ब्रेक हटा दिया हमने, हमारे पास जो वैल्यू है, क्योंकि डिफॉल्ट से तो वैसे भी बाहर चला जाता है तो इसलिए हटा दिया, सो हमारे पास जो वैल्यू है वो टू ही है, तो स्विच में आ गया टू, केस टू एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद कहीं भी ब्रेक नहीं है, तो ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे इनवैलिड डे कोड, एवरीथिंग विल बी प्रिंटेड, सो बी केयरफुल वाइल क्रिएटिंग लॉजिक्स, फाइन। अच्छा एक चीज, सपोज डिफॉल्ट को मैं ऊपर ले गया, अभी ये मैं डिफॉल्ट को ले गया हूँ ऊपर, ठीक है, तो ये कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, आप ले जा सकते हो। अभी आउटपुट क्या आएगा, डे कोड की वैल्यू टू है, स्विच किया डे कोड यानी स्विच में आ गया टू, डायरेक्ट केस टू पे गया, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, अब केस सेवन के बाद डिफॉल्ट है क्या, नहीं है, वो तो पहले ही था, तो अब वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, आउटपुट आएगा ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। चलो भाई क्रोम में चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखा आउटपुट डिफॉल्ट ऊपर चला गया था इसलिए नहीं आया। अभी सपोज दैट मैंने यहाँ पे वैल्यू कर दी 21, तो स्विच हुआ 21, 21 किसी केस की वैल्यू है क्या, नहीं है, तो डायरेक्ट डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होएगा, इनवैलिड डे कोड, लेकिन लेकिन डिफॉल्ट को मैंने कहाँ लगा दिया, शुरू में लगा दिया है, और इसके बाद ब्रेक नहीं लगाया हुआ है, तो इसका मतलब इनवैलिड डे कोड, फिर इसके अगले पूरा कोड एग्जीक्यूट होएगा, इनवैलिड डे कोड के बाद में आएगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। लेट्स सी, आ रहा है। अच्छा अगर सपोज मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, ठीक है, डिफॉल्ट के बाद लगा दिया अभी, तो इनवैलिड डे कोड और ब्रेक से बाहर निकल जाएगा, तो इनवैलिड डे कोड एंड ब्रेक से बाहर आ गया। सो गाइज अभी इसको वापस नॉर्मलाइज कर देता हूँ मैं, सिंपल जो पहला था वैसा अंडू 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 कर दिया कंट्रोल जेड लगा के फटाफट, फाइन। सो अच्छा एक चीज मैंने बताई, दो कोड की वैल्यू, दो केस की वैल्यू सेम हो सकती है, लाइक मैंने यहाँ पे भी केस वन कर दिया, इसमें भी केस वन कर दिया, अब दिमाग में आएगा केस कौन सा एग्जीक्यूट होएगा, डेफिनेटली जो पहले अपीयर हो रहा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, एरर नहीं आएगी। लेट्स सी, ये मंडे, अब आप कहोगे सर पहला एग्जीक्यूट हुआ ये कैसे पता लगेगा, अभी बताता हूँ, मैंने पहले के बाद से ब्रेक हटा दिया, अब देखना मंडे भी आ जाएगा और ट्यूसडे भी आ जाएगा, दैट मीन्स ये दोनों केस एग्जीक्यूट हो रहे हैं अभी अपने, ठीक है। इसको हम ले जाते हैं एक बार लास्ट के अंदर, लेट्स सी। तो क्या है हमारे पास आउटपुट, मंडे और वेंसडे,
तो इसका मतलब ये केस वन एग्जीक्यूट हो रहा है हमारा, मतलब पहले जो अपीयर हुआ है वो पहले हो रहा है एग्जीक्यूट, यहाँ पे एरर नहीं आएगी। अगर यही काम हमने सी सी प्लस जावा में, क्या होता है सिंटेक्स एरर बन जाती है। ठीक है भाई। सो इसको अच्छा, ये जो केस वैल्यूज होती है इनका सीक्वेंस मैटर नहीं करता। लाइक मैंने केस टू यहाँ पे बना दिया, केस वन वहाँ पे बनाया हुआ है, तो इट डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक मैंने डे कोड दे दिया टू, तो ये ऑटोमेटिकली केस टू पे ही जाएगा डायरेक्ट और प्रिंट कराएगा ट्यूजडे। लेट्स सी। ठीक है। अच्छा, केस वैल्यूज जो है वो वेरिएबल भी हो सकती है। लाइक मैंने डॉलर ए ले लिया जिसकी वैल्यू ली वन, यहाँ पे केस वन की बजाय मैंने बना दिया डॉलर ए और डे कोड की वैल्यू दे दी मैंने वन। अगर हम सी सी प्लस प्लस जावा में वेरिएबल को यूज करते केस में तो एरर आ जाती है, बट यहाँ नहीं आएगी। फाइन। केस वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग्स भी हो सकती हैं। लाइक मैंने डे कोड की वैल्यू ले ली यहाँ पे वन और यहाँ मैंने केस बना दिया वन, सो ये इसको भी मैच करेगा। लेट्स सी। अभी भी मंडे आ रहा है। इवन पॉइंट में भी ले सकते हैं। लाइक मैंने डे कोड की वैल्यू ले ली 2.3 और ए की वैल्यू ले ली 2.3, ये जो केस वन था इसको मैंने केस 2.3 बना दिया। लेट्स सी, रिफ्रेश कर लेते हैं। फाइन। सो ये सब चीज़ें सी सी प्लस प्लस जावा में पॉसिबल नहीं होती है। लाइक पॉइंट वाली वैल्यूज पे स्विच केस लगाना या वेरिएबल को एज ए केस वैल्यू यूज़ करना या डुप्लीकेट केस लगाना, ये अलाउड नहीं होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट स्विच केस इन पीएचपी। यही था। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो पर कमेंट करें, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। एंड गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने जूनियर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक्स अ लॉट। हैव ए नाइस डे। हैव फन एंड एन्जॉय।